वाह, फूल खिल रहे हैं सहरे में गुलाब के, लगता है दिन आ गए हैं तुम्हारे सवाब के। भाई वाह, क्या वजनदार शेर कहा है। हमारा प्यारा लड़का डेस उनकी प्यारी लड़की डेस से शादी करने लगा है। अगर किसी गबल्ले ने पखराट करनी है तो अगले 2-3 दिन में रुजू करे, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वाह वाह वाह, लो दिन और तारीख तो लिखना ही भूल गए। प्यारे, अरे नौसे आपके अंटीने को क्या हुआ? क्या मतलब? आपका आवाज को क्या हो गया भाई? बैठी हुई है। अरे क्या कुर्सी खाली थी? हो गया। हाँ। अब ये बता के तू क्या कर रहा है, कुछ शेर वेर जा गया क्या तेरे अंदर? अरे नहीं नहीं, हमने तो बस एक ही शेर लिखा है। अच्छा तो फिर क्या कर रहा था? हम तो शादी का कार्ड डिजाइन कर रहे थे। अरे वाह प्यारे, तूने शादी का कार्ड डिजाइन करने का काम शुरू कर दिया? नहीं नहीं, काम हम क्यों करेंगे, हम तो अपनी शादी का कार्ड डिजाइन कर रहे हैं। प्यारे तुझे नहीं लगता कि शादी के लिए लड़के का सेट होना जरूरी है? हाँ सेट होना बहुत जरूरी है, हम बिल्कुल सेट हैं आपसे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है लड़के का कोई काम कारोबार होना चाहिए ना। नहीं हमें नहीं लगता, शादी का नौकरी से क्या ताल्लुक है? तो फिर बीवी को खिलाएगा कहाँ से? अरे लेकिन हमारी बीवी तो आप है ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सिर्फ मानने के लिए काहे हूँ नहीं, ये बताओ कि मुझे खिलाओगे पिलाओगे कहाँ से? अरे नौसी अभी भी तो आप खाती पीती है ना। हाँ तो वैसे भी खा पी लीजिएगा, मसला क्या है? बड़ा ही ढीठ है तू, काम काज नहीं करेगा। लेकिन नौसी मसला बताऊँ क्या है, ये जो शोहर लोग शाम को थक कर आते हैं ना काम से, शाम को बड़ा डर लगता है, आप हमसे शादी कर लीजिए बस। प्यारे मैं मर जाऊंगी पर तुझे शादी नहीं करूंगी। अरे ढीठ हम नहीं, ढीठ आप है, 50 एपिसोड से तुम्हारे पीछे पड़े, तुम शादी नहीं करती हमसे? जाओ जाओ कोई बात नहीं, हमारा नाम भी प्यार है, हिम्मत नहीं हारेंगे हम। नजम पूरी करते हैं। फूल खिल रहे हैं चेहरे में गुलाब के, लंच में आ गए हैं सैंडविच कबाब के। भाई वाह नजम, कह डाली आज तो हमने, कमाल हो गया। तुमने अपने हिस्से के मटर खा लिए समझ गए, अब सालन ही मिलेगा खाली। अरे खैरन सालन में से मटर कैसे जुदा करेंगे, 2-4 तो मिल ही जाएंगे। ज्यादा बकवास नहीं करो, जाओ बब्बन को बुला के ला। हाँ भाई, किसने बब्बन का आवाज दिए? अरे शुक्र है बब्बन खुद ही आ गए भाई, हमारा टाइम बच गया। हाँ तुम बड़ा कैंसर की दवाइयों का इलाज ढूंढ रहे थे? ए बब्बन क्या सुबह सुबह बीमारियों के नाम ले रहे? हाँ तुम पूरी जिंदगी से हमारे अब्बा का नाम हमारी आंखों के सामने ले रही हो, हमने कभी कुछ कहा? अच्छा अब ज्यादा बकवास ना कर, प्यारे के साथ जा और मुर्गी की 10 बोटियां लेके आ। अरे वाह जबरदस्त खैरन, अरे आपका ये जुमला सुनकर हम गरीबों का दिल बाग बाग। अरे यार छोड़ो ना, वैसे हमारी 10 बोटियों का क्या सीन चल रहा है? हम 5 लोग हैं ना घर में, 2-2 सबके हिस्से में आएंगे। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। हमें मेरे दिल को बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरी नई को हमारे बीच में गिना। अच्छा चलो अब ज्यादा बकवास ना करो, जाओ जल्दी, इसने मटर और चिकन पकाना है आज। मटर चिकन पकेगा आज घर में, हम अभी लेके आता हूँ मैं। वाह भाई मटर चिकन। अरे खैरन आज खाना आप बनाइए, बहुत अरसा हो गया आपके हाथ का खाना खाए हो। मैंने कह दिया ना तुम पकाओगे, बस अब छीन ले दो मुझे मटर, तुम छोड़ दो, छोड़ो मैं खुद कर लूंगी। मार डालो इस बात पे भी, मारो पूरे मटर। ये लो मार डालो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, उठो। हाँ भाई प्यारे तू कहाँ जा रहे? अरे हटिया हमारे सामने से, बहुत परेशान है हम। अरे नहीं 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 प्यारे, नहीं नहीं नहीं, खुदकुशी मत करियो, आराम है। पागल हो गया क्या, हम बाहर जाके सोचेंगे करना क्या है। ओ अच्छा वैसे तो परेशान क्यों है? पापन भैया हम अपनी अकेली जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं। हाँ यार परेशानी तो मुझे भी बहुत है, लेकिन तू कहाँ जाके सोचेगा? पार्क में मालिक के साथ बैठ के। नहीं वहाँ बहुत खूबसूरत लड़के आती है, उनको देख के सोचेंगे, दिमाग चलेगा फिर सोचना शुरू करेंगे। तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है, चल निकल जा। आप कहाँ जा रहे थे? मैं तेरे साथ बैठूंगा, मुर्गियाँ चूजे लेने की सोचूंगा। हर वक्त मजाक करते रहो, झुकते मारते रहो, हल्ले गुल्ले करते रहो, कोई सीरियस काम करने का सोचा कभी नहीं? हटो सामने से। हर वक्त जब देखो मजाक करता रहता है, पागल नहीं तो? हाँ नौशी ने जलील कर दिया होगा, इज्जत उतार दी होगी। तेरा गुस्सा मुझ पे होता, मूंगफली खा लो, थोड़ा ब्लड प्रेशर लो। का जमाना आ गया है, जवान जहान खूबसूरत नौजवान थोड़ी देर पार्क में भी नहीं बैठ सकता। अच्छा खासा हम बैठे हुए थे, पुलिस वाले ने आके बाहर निकाल दिया, कहता है लड़के ताड़ रहे हो। अच्छा ठीक ही कह रहा था, क्या करें, बोरियत इतनी हो रही थी हमें। लो अरे एक बात बात पे हमारा फोन बच पड़ता है। लो अरे भाई नहीं चाहिए इनाम, बात बात पे हमारा इनाम निकाल देते हो। इनाम क्या करेंगे इनाम का, हम नौसी हमसे बात ही नहीं करती। अरे महबूब आपके कदमों में। अरे वाह वाह ताबीज, जैसा कहोगे महबूब वैसा ही करेगा। दरख्त पर लटकाओ तो महबूब उसी दरख्त के नीचे इकरार करेगा। इकरार? अरे वाह वाह इकरार को तो छोड़ो, माहिर अमलियात अम्मा शेरनी। अरे वाह वाह अम्मा शेरनी को फोन करते हैं, यही तरीका है नौसी को अपना बनाने का। एक सेकेंड।
हेलो जी अम्मा शेरनी, अम्मा शेरनी हमें आपकी बहुत सख्त जरूरत है। हाँ नहीं नहीं, अरे नौसी हमसे बात ही नहीं करती। अच्छा काम हो जाएगा, काम ना हुआ तो डबल फीस वापस। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पूरा फीस देंगे। हाँ जल्दी से आ जाइए, हमारा पता नोट कीजिए। हाँ तो अम्मा जल्दी आ जाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, बराबर फीस देंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज। नौसी आप हमसे नहीं बच सकती, अम्मा से। आपके मजलूबा नंबर ने अपने दिल से आपके लिए दरवाजा खोल दिया है। देख ले कहीं तेरी सिम खुद ना ब्लॉक हो जाए। मैंने कौन से आपको गंदे मैसेज किए हैं जो आप मेरी सिम ब्लॉक कर दोगी? भेज के देख, फिर अपने आप को जूते मारेगा। कौन हो आप? मैं शेरनी। ओ अच्छा, मैं गिदड़ हूँ हाथी की खाल में, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे। किससे मिल रहे आपको? तू प्यारे है यार। अच्छा तो ये मामला चल रहा है, मोहब्बत वाली औरतें घर पे आ रही है। हाँ मैं प्यारा हूँ। तो तूने मुझे पहचाना नहीं? तूने ही तो फोन पे बात की थी। अच्छा प्यारा रातों को फोन पे लगा है, तभी मैं कहूँ बैटरियाँ कहाँ जा रही है इसके फोन की। हाँ पहचान लिया मैंने आपको, आइए अंदर आइए। शुक्र है मैं समझी गलत घर में आ गई। हाँ घर तो गलत है लेकिन मैं बंदा इतना गलत नहीं हूँ, मुझसे होता नहीं है। आप आ जाइए, आप अंदर आइए। आइए बैठिए। हाँ भाई किससे प्यार है तुझे? वैसे तो मुझे नुशी से प्यार है लेकिन अभी अचानक से मुझे किसी और से प्यार हो गया। प्यार है या सर का दर्द? हर किसी से हो जाता है। अरे देखिए ना मैं आपको अभी बता दूं, अभी ऐसे के जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे ले ले कि आप एक लड़की है, आप बहुत खूबसूरत है, आपने काले जोड़ा पहने, आप पे बहुत मैच कर रहा है और मुझे एकदम से ना एकदम से मुझे आपसे प्यार हो गया है, तो आप क्या करोगी शेरनी? शेरनी से पूछना क्या करोगी? अरे चीर फाड़ करके रख दूंगी। चीर फाड़ दे, बहुत खून खराब हो जाएगा भाई। ये बता यह आना कैसे हुआ? वो तू नहीं तो बुलाया, तू प्यारे नहीं है? अरे नहीं 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 मैं बबल हूं। तो इतनी देर से बकवास क्यों कर रहा है? वो चेक करने की आदत है ना मुझे। चेक कर लिया, चल अब निकल प्यारे को बेच। वैसे एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछ। ये आपको अल्लाह भला करे प्यारे ने बुलाया क्यों है? मैं अपने क्लाइंट की बातें किसी टुच्चो को नहीं बताती, चल निकल। अरे टुच्चो को नहीं बताती ना, मैं तो बब्बर हूँ। हाँ तुझे देखा है, मुझसे ज्यादा सवाल मत कर, चल निकल प्यारे को बेच। ओ अच्छा भाई ये फटने वाला बिल्कुल सीन नहीं है, इधर तो चीर फाड़ रही है, अजीब सी वायलेंट हो रही थी। अरे क्या हुआ प्यारे, इतनी बेचैनी क्यों है? कोई खास प्रोग्राम आने वाला है का? नहीं अब्बा हमें किसी और चीज का इंतजार है। किसी और का इंतजार? कोई खास चीज आने वाली है का? बस फौरन दिमाग चलना शुरू हो गया, चुपचाप टीवी देखो। हाँ भाई क्या चल रहा है? अरे बबन हम तो टीवी देख रहे हैं मगर ये प्यारे किसी का इंतजार कर रहा है, कोई खास मेहमान आने वाला है। आने वाला नहीं, आ गई है। अरे देखा हमने कहा था ना कोई हसीन लड़की आने वाली है। बस अब नफ्स चलनी चाहिए, तुम्हें लड़की हसीन लगना शुरू हो जाती है। वैसे है बहुत खूबसूरत प्यारे। शुक्रिया आप भी मुनासिब हैं। तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसकी तारीफ करो जो बाहर बैठी है। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हम उसको देखने जा रहे हैं कि कहीं बबन सच बोल रहा था कि हमें ही फेंक रहा था। दादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, हमसे मिलने ही हम मिल के आते हैं, खबरदार तुम में से कोई बाहर आया तो। बैठ जाओ इधर। अरे बबन का चक्कर है? अब्बा जो भी अब वो टेढ़ चक्कर है, मैं तो कहता हूँ बिल्ली बनते गली में से चल के देखते। अरे ये सही है, अरे चलिए आ चलिए। अब्बा बिल्ली तो बन जाओ। ये कुत्ता, ये बिल्लियों के साथ घूमता है ना तुम? बबन भैया कह रहे थे इससे इसी पर जादू करवा लेते हैं, ये ठीक है। हाँ तो अम्मा शेरनी, मेरा नाम सिर्फ शेरनी है पर मैसेज में तो। हाँ हमारी अम्मा और हम एक ही काम करते हैं, जब फोन आता है जो उठा लेता है वो पहले काम पे चला जाता है, इसलिए हम दोनों का नाम लिखा है अम्मा और शेरनी। तो तू प्यारे है
हाँ हम हैं प्यारे, लेकिन आप हमें प्यारा भी कह सकती हैं। अंधी रही हूँ, तू बोल क्या काम करवाना है। वो हम ना नोशी पे मर मिटे, पर वो हमें घास भी नहीं डालती। तो तू चाहता है कि नोशी तुझसे पट जाए। हाँ ऐसा ही कुछ कर दीजिए। काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फीस चाहिए होगी, वो भी पूरे 500 रुपए। मैं इधर मंत्र पढ़ूंगी, उधर वो तेरे कदमों में गिर जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 500 रुपए में रियायत नहीं हो सकती। हो कंगले, सारी जिंदगी के लिए लड़की मिल रही है, 500 रुपए नहीं खर्च कर सकता। नहीं कर लेंगे जाते हैं। बात सुन, नोशी का एक दुपट्टा भी चाहिए होगा। दुपट्टा क्यों? अरे दुपट्टे पे ही तो मंत्र पढ़ूंगी, चल जा जाके लेके आ। हाँ ठीक है, अभी दोनों चीजें लेकर आते हैं। ये बता नोशी रहती कहाँ है? इधर साथ ही रहती है हमारे। बहुत ही निकम्मा है, लड़की साथ रहती है और अभी तक पटा नहीं सका। अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं अम्मा शेरनी। हम जाते हैं दोनों चीजें लेके आते, और कोई काम है तो बता दीजिए, बार बार रोकिएगा मत हमें। नहीं है, चल जा। जा रहे। अरे अब्बा ये शेरनी तो जादूगर है। मगर है बहुत प्यारी बबन। अरे मान गए तुम बहुत सच्चे हो। अब्बा मैं जरा प्यारे को देख के आया, ऐसा ना हो कि नोशी का प्यार उसके लिए बदल जावे और उसकी तरफ चली जावे। मैं आता हूँ। क्या करें दुपट्टा? कोई देख ना ले। कौन सा दुपट्टा ले? ये लाल वाला ले लेते हैं। निकल जा निकल जा। नोशी आपने डरा दिया हमको। ए प्यारे तू चोरी कर रहा था? आप तो ऐसे करिए जैसे मैं आपके 2 करोड़ लेके भाग रहे हूँ। चुप कर जाके पकड़वाएगा मुझे। अरे नौसी घबराने की बात नहीं है, आप और हम जैसे शरीफ लोग पकड़ जाते हैं जिनके पास 2 नंबर 2 करोड़ होता है ना, वो नहीं पकड़े जाते। ओहो बस कर जा, मुझे बातों में क्यों उलझा रहा है। और ये बता तुम्हें दुपट्टे के साथ क्या कर रहा था? वो हमें आपका दुपट्टा चाहिए। क्यों प्यारे तू दुपट्टा पहनेगा? नहीं वो अम्मा को जरूरत है। काहे तेरी अम्मा का दुपट्टा? उसपे सालन गिर गया है। तो दूसरा पहन ले। अब सारे दुपट्टों पे सालन गिरा दिया अब्बा ने। तो जाके बाजार से दूसरा ले ले, मैं नहीं देती। अरे नौसी ऐसा मत कीजिए, प्लीज दे दीजिए, हमारी इज्जत का सवाल है। अच्छा चल ले ले। थैंक यू नौसी, बस आप तैयार रहिएगा, आपको भागते हुए नीचे आना है। भागते हुए नीचे क्यों आऊंगी मैं? हमारे कदम नीचे होंगे ना। तो अब कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देख प्यारे मेरा दिमाग खराब मत कर, जो थप्पड़ मार दूंगी मेरा हाथ उठ जाएगा। आपका हाथ उठेगा तो हमारा भी हाथ उठ सकता है नौसी। क्या बोल रहा है? माफी मांगने के लिए। निकल। थैंक यू। बेटे पागल माँ भी पागल, सालन गिरा दे दुपट्टे पे। खराब ना कर दे मेरा महंगा दुपट्टा, पूरे 200 रुपए का है। इस घर में भूत भी है क्या? है? लगता है आपने कभी भूत ना ही देखे। इतने स्मार्ट लड़के को आप भूत कह रहे हैं? ओ चाचा एक तो स्मार्ट ऊपर से लड़का। अरे हम सच कह रहे हैं, अरे हमारी उम्र 30 साल है, शिनाख्ती कार्ड दिखाएं आपको। चाचा तुम्हारे वक्तों में भी शिनाख्ती कार्ड होते थे? वैसे तू है कौन? अरे हम इस घर के मालिक सेठ वजीर अहमद। कपड़े बेच के मकान खरीदा है क्या? अरे नहीं, अरे हमारे पास बहुत पैसे हैं और ये पैसे आपके हो सकते हैं। वो कैसे? बहुत आसान है, बस आप हमसे शादी कर लें। ओ चाचा चला जाए यहाँ से, वरना भी खड़े खड़े मुर्गा बना दूंगी तुझे। अरे कोई मसला नहीं, उसकी आदत है हमका। ओ चाचा तू मुझे जानता नहीं है, तेरा हशर बिगाड़ दूंगी। लगता है ये नहीं पटेगी। अरे कुछ और काम करवा लो वजीर अहमद। हम जानते हैं आपका बिजनेस, आप हमारा एक काम कर दें प्लीज। बगैर पैसों के कोई काम नहीं। अरे पैसे देंगे ना हम आपको। हक। अच्छा काम बोल। हाँ एक औरत नुमा चीज है खैरन, कुछ ऐसा कर दे कि वो हमारे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहे। ये खैरन कौन है? आपकी सौतन। क्या बकवास कर रहा है? मतलब हमारी बीवी। ठीक है काम तेरा मैं कर दूंगी, लेकिन पूरे 1000 रुपए में। मगर प्यारे से तो 500 मांगे थे आपने। ओ चाचा वो तेरी बीवी है खैरन, तेरे काबू में नहीं है। उसे काबू में करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसका दुपट्टा भी लेके आ। अच्छा ठीक है, अरे पहले हम 1000 की जुगाड़ कर लेते हैं फिर दुपट्टा भी ले आते हैं। चल जा। अरे क्या कर रही है नौशी जी? कमाल कर रही हूँ, देख मैंने अपना स्कोर बीट कर दिया। अरे नौशी आपकी आवाज को क्या हुआ? बैठ गई है। का कुर्सी खाली थी? क्या है क्यों आया है यहाँ पे? अरे वो कहा है ना कि हमारा हाल बहुत खराब है, आप तो सब जानती हैं। हाँ तेरा हाल वाकई खराब है मैं जानती हूँ। ये ठीक हो सकता है अगर आप हमारी मदद कर दे तो। देख वजीर कोई उल्टी सीधी बात। अरे बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं, 1000 रुपए दे दीजिए हमका।
अबे 1000 में तेरा हाल सुधर जाएगा। अरे बिल्कुल, 1000 में खैरन हमारी गुलाम बन जाएगी। अरे वाह, ये कौन से 1000 रुपए जिसमें खैरन तेरी गुलाम बन जाएगी? अरे हमारे घर में एक जादूगरनी आई है, वो जो वो वाली होती है, वो जो महबूब आपके कदमों में, वो वाली। हाँ ठीक है, लेकिन वो हमारे घर क्यों आई है? ये हम ना ही बता सकते, बस आप हमका 1000 दे दीजिए, फिर हम खैरन का दुपट्टा उसको दे देंगे और वो खैरन को हमारे पैरों में डाल देगी। दुपट्टा? कहीं प्यारे ने इसलिए तो नहीं मेरा दुपट्टा मुझसे लिया था? अरे जी जी यही बात है, आप कितनी समझदार है नौशी जी, मगर प्यारे को मत बताइएगा। अरे तू फिक्र ही मत कर, इस बात के लिए तो मैं तुझे 1000 रुपए वैसे ही इनाम में दे दूंगी। एक काम कर, फिर ना तो बंद कर। तू मेरे साथ चल, प्यारे को देखते तुझे भी देखते चल। अरे ठीक है, पैसे तो दे दीजिए। अरे दे दूंगी चल। हाँ दे देंगे ना। अबे उठ ना। ये लीजिए दुपट्टा। और पैसे? अब पैसे आपके एडवांस में लेंगी? हाँ बाद में मुकर गया तो। अरे तो कोई बात नहीं, हम मंत्र पढ़ के पैसे निकलवा लीजिएगा। टाइम खराब मत कर, पैसे दे। ये चल बैठ जा, मैं मंत्र शुरू कर रही हूँ। हाँ। प्यारे प्यारे क्या है? नुशी बुला रही है तुझे। वो हम तेरा जरूरी काम कर रहे हैं, अब तक सुनिए कोई काम करिएगा आप कर लीजिए। अरे नहीं नहीं नुशी, पता नहीं क्या सर पे दुपट्टा लेके तेरा नाम ले रही बार बार, प्यारे प्यारे कर रही यार। अरे अम्मा सर अभी मंत्र खत्म नहीं हुआ, वो नाम शुरू कर दिया उसने। देख ले, आप इनको कुछ मत बताइएगा, हम जरा आते हैं। हाँ आइए। हाँ तो शेरनी मैडम, मुझे ये बताओ आपको प्यारे ने कितने पैसे दिए थे सब करने के लिए? 500 ना? हाँ। ये लो 600 रुपए और इसी दुपट्टे पे मेरे लिए मंत्र पढ़ दो। तो नौशी का नाम हटा के तेरा नाम पढ़ना शुरू कर दूं? अरे नहीं, प्यारे का नाम हटा के ना मेरा नाम डाल दो, ताकि नौशी के मुंह से सिर्फ मेरा नाम निकले। अच्छा शुरू करो मंत्र। चल आगे। अरे चल अरे, अरे नौशी। हाँ मुझ पर जादू करेगा तू है? और तू है ना, तू मुझ पर जादू कर रही है? शेरनी नाम है मेरा। हाँ हाँ शेरनी बड़ी आई, नौशी के साथ ना सारी शेरनियाँ बकरियाँ बन जाती है। अच्छा तो तू है नौशी, बड़ी डिमांड है भाई तेरी। कभी गुरूर नहीं किया। हाँ तो ये बता, तू मुझ पे जादू कर रही थी ना? हाँ ये दोनों जादू करवा रहे तुझ पे। अरे ये हम ले आए 1000 रुपए और इस दुपट्टे पर मंत्र पढ़ दीजिए और खैरन को हमारा गुलाम बना दीजिए। अरे एक एक करके आओ। अरे हम एक ही हैं, पहले हमारा काम कर दीजिए प्लीज। ओए चुप कर जा, पहले मैं बात करूंगी। ए जादूगरनी, ये जल्दी से 2000 रुपए पकड़ और इन सबको ना मुर्गा बना दे, असली का मुर्गा। अरे नौसी आप क्या कर रही हैं, हमारे साथ जुल्म करेंगी? हाँ और जादू कराओ मुझ पर, अभी बताती हूँ बना। अरे ऐसी बात नहीं है, आप हमारा काम कीजिए। अरे हमारा इसको क्या जादू उल्टा हो गया? इसलिए कहते हैं जादू हराम है। और ये तो मुर्गा बन गया, इसकी कढ़ाई बनाकर खाएंगे। अरे ए जादू होरियार होरियार होरियार। अरे नहीं, अरे हम ये थोड़ी सी खामोशी। हाँ तू बोल। मैं बोला अरे ये क्या हुआ, मंत्र उल्टा हो गया तूने? हाँ ऐसी जादू हराम, ये जादू आराम है। हेलो गाइस। कितना चुपा, अस्तगफुरुल्लाह। क्या है साइको हो गया।